हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी पत्ता गोभी की बहुत ही यूनिक सब्जी की रेसिपी। पत्ता गोभी की सब्जी तो आप अक्सर बनाते ही होंगे, पर आज हम इसे एकदम नए तरीके से और एक स्पेशल मसाले के साथ बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे पराठा, रोटी या चावल किसी के साथ परोस सकते हैं। सिंपल पर बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम सब्जियों को काट के रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने गोभी लिया है, और इसमें से सिर्फ आधा ही गोभी हम इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी साइज में ये बड़ा है, तो सबसे पहले हम पत्ता गोभी को काट लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक या मोटा नहीं काटना है, और इस तरीके से हम चौकोर इसके पीस कर लेंगे। और इसके साइज़ को एकदम मैंने मीडियम ही रखा है। काटने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और हम इस सब्जी में दो मीडियम साइज़ के आलू का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आलू हमें काट के नहीं लेना है, बल्कि आलू को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो मोटे वाले ग्रेटर की मदद से इसके हमें लच्छे रेडी कर लेने हैं, कुछ इस तरीके से। और इसको कद्दूकस करने के बाद आप ऐसे ही नहीं छोड़िएगा, इसको पानी में ही रखिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे। और इसी के साथ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को मोटा मोटा ही काट के लिया है, और दो मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे। आप इस सब्जी को सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। वैसे आप अपने पसंद से कोई भी तेल में इसे बना सकते हैं। एक चम्मच जीरा और एक तेज पत्ता को डाल के हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को डालने के बाद अच्छे से इसे हमें भून लेना है। तो जब प्याज 80% तक भून जाए, तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट को। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फिर से हमें प्याज के साथ चलाते हुए भून लेना है। तो प्याज जब अच्छे से भून जाए, तब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे दो मैंने टमाटर इस्तेमाल किया है। इस सब्जी में टमाटर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और टमाटर फटाफट से गल जाए इसलिए मैंने आधा चम्मच इसमें नमक भी डाला है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तब तक हम एक मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए मिक्सी जार में 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग लेंगे, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिया है, और इसमें हम डालेंगे मूंगफली। तो मूंगफली को हल्का सा भूनने के बाद इसके छिलके को मैंने हटा लिया है, और ये चम्मच से 2 चम्मच मूंगफली है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, और इसे पीस के इसका हमें एक पेस्ट रेडी कर लेना है। और टमाटर भी 2 मिनट के बाद आप एक बार देख सकते हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसे सब्जी में काफ़ी अच्छा सा कलर आता है। वैसे आप नॉर्मल जो मिर्च खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। मसालों को 1 मिनट तक चलाते हुए हल्का सा हमें भून लेना है। जब ये मसाले थोड़े से भून जाए, तो जो हमने मूँगफली और हरे धनिए का पेस्ट बना के रेडी किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब एक बार मसालों को फिर से हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो 2-3 मिनट लगेगा। मसाले काफ़ी अच्छे से जब भून जाए, तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए गोभी, और आलू को पानी से छानते हुए हमें इसमें डाल देना है। और ये सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। सब्जी को अच्छे से मसालों के साथ हमें मिला लेना है, और इसे हमें ढक के 3-4 मिनट तक अभी पकाना है। तो बीच बीच में कढ़ाई को ढकेंगे और इसको चलाते भी रहेंगे, क्योंकि हमने मसाले जो डाले हैं वो जलने नहीं चाहिए। तो इसको हम बीच में ढकते भी रहेंगे, और ढक्कन हटा के बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो पूरे 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे थोड़ा सा ढक के पका लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। तो ये जो सब्जी है ऐसे लटपटी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है, और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। और अगर आपको ये सब्जी ग्रेवी वाली बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने सिर्फ 1/2 टीस्पून ही नमक डाला था, तो मैंने अभी इसमें 1 टीस्पून और इसमें नमक डाल दिया है। एक बार अच्छे से मिलाएंगे, और इसे मीडियम फ्लेम में ढक के हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो पत्ता गोभी और आलू है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और सारे मसाले अच्छे से सब्जियों में लिपट जाए। तो यहाँ मैंने पूरे 7 मिनट तक ढक के इसे मीडियम फ्लेम में पका लिया है। हमारी सब्जी लगभग रेडी है। हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश करके डालेंगे, साथ ही डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिला लें। तो लीजिए, तैयार है पत्ता गोभी और आलू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी।
अब आप इसे पराठा, रोटी, नान या फिर चावल किसी के साथ परोस सकते हैं। अमेजिंग फ्लेवर आता है इस सब्जी का। अभी तक आपने पत्ता गोभी की सब्जी इस तरीके से नहीं बनाई है तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। साथ ही मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।